खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर परिहार गांव में शातिर चोरों ने एक जैन मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर के ताले चटका कर यहां पर मंदिर में रखे भगवान के 6 चांदी के छत्र, अष्ट धातु की मूर्ति और दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे चढ़ावे के तकरीबन 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया है। जिस मंदिर में चोरी की यह वारदात हुई है, उस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की यह पूरी हरकत कैद हो गई है, जिसमें चोरों ने करीब 10 मिनट तक मंदिर के अंदर छानबीन की और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब पुजारी मंदिर खोलने पहुंचा, तब उन्हें चोरी की इस वारदात का पता लगा, जिसके बाद मामले की सूचना थाना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। ये थाना बनियार क्षेत्र की घटना है। इसमें एक मंदिर में एक चोरी हुई है, इसमें लगभग 1 लाख रुपए का मसरूका इसमें गया है। मंदिर में जो कैमरे लगे हैं उसमें कुछ फुटेज सामने आए, मुंह में कपड़ा बांधे हुए हैं। दिन में भी ये चोर उस मंदिर में आए थे, लेकिन उस समय लाइट नहीं थी तो उस समय प्रॉपर फुटेज नहीं मिल पाए हैं। FIR दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है, और भी जो सुसंगत जो साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और वैज्ञानिक रूप से इसकी जाँच की जा रही है।